नमस्कार साथियों, शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से आर के एस एम बी के ऐप से जिन छात्रों का डेटा फीड नहीं हो पाया है उनके लिए मैनुअल डेटा फीड करने हेतु टैब स्टार्ट कर दिया गया है। इस टैब पर कार्य करने की प्रक्रिया मैं रामनिवास मेहरा आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो प्रक्रिया बताने से पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन पर क्लिक करके आल पर भी अवश्य क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो चलिए साथियों देखते हैं प्रक्रिया। सबसे पहले आपको आपके विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। आपको एक टैब यहां ऊपर मिलेगी आर के एस एम बी के ऐप नेम से, तो आपको अब इस पर क्लिक करना है। अब इस तरह से आपके सामने यहाँ कई अन्य ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आर के एस एम बी के OCR एंट्री 2022-23, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेना है। अब इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आएगी। यहाँ आपको एक नोट दिया हुआ है जिसमें आपको बताया गया है यहाँ केवल उन्हीं बच्चों का डेटा दिखाया जाएगा जिनका OCR डेटा अपलोड नहीं हुआ है। जिनकी OCR अपलोड नहीं हुई है उन्हीं बच्चों की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलने वाली है। तो अब अभी आपके भी ऐसा कोई बच्चा रह गया है जिसके OCR आप ऐप से नहीं कर पाए हैं, तो उसका डेटा अब आप यहां से फीड कर सकते हैं। वो मैनुअली होगा, कैसे होगा जानने के लिए साथियों बने रहेगा वीडियो के साथ। तो सबसे पहले आपको यहां क्लास सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आपको यहां क्लिक कर लेना है। आपके सामने क्लास की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जिस भी क्लास के बच्चे का डेटा आपने या OCR अपलोड नहीं किया वो कक्षा आप यहां से सेलेक्ट करेंगे। छाला दर्पण इस तरह कुछ टाइम प्रोसेस करेगी, उसके बाद आपसे सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए यहां कहा जा रहा है। तो यहां क्लिक करके सेक्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहां सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप यहां क्लिक करके उचित सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको आना है साथियों यहां नीचे की ओर। यहां आपको एग्जाम असेसमेंट में आर के एस एम बी के एक नेम से मिलेगा, तो आपको यहां एक ही रखना है या चेंज नहीं करना है। आगे आपको यहां शो का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप यहां शो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। अब यहां आपको विद्यार्थी के नेम डिस्प्ले होंगे, उसके बाद उनके फादर के नेम आपको यहां डिस्प्ले हो जाएंगे। यहां आपको चेक करना है स्टेटस। स्टेटस क्या रहा है? स्टेटस में आपको यहां बताया गया है कि आपने बच्चे की OCR जो है वो ऐप के माध्यम से अपलोड कर दी होगी। तो यहां आपको ऐप स्पष्ट लिखा मिलेगा फ्रॉम आर के एस एम बी के ऐप, तो और यहाँ एक्शन में आपको यहाँ खाली दिखाई देगा, क्योंकि आप यहाँ कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। आप ऐप के माध्यम से OCR अपलोड कर चुके हैं, पर आपका कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसकी आपसे फीडिंग नहीं हुई है या गलती से वो एब्सेंट रह गया है, तो आपको यहाँ इस तरह से मिलेगा। जैसे कि मेरे ये विद्यार्थी है जो ये एब्सेंट है, तो मुझे यहाँ एब्सेंट मिल रहा है, और यहाँ आपको आगे एक्शन के में बटन मिल रहा है रिवर्ट फ्रॉम एब्सेंट, तो आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा, तो आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से यहाँ दो ऑप्शन मिलेंगे आपको। यहाँ आपको बताया जाएगा कि क्लिक हियर टू प्रोसीड, और ये वापस आपसे गलती से एब्सेंट बच्चा है और अनलॉक हो गया है, तो वापस एब्सेंट पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ क्लिक हियर टू प्रोसेस इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलकर आ जाएगा। आपको यहाँ कहा जाएगा आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड दिस रिकॉर्ड, तो आपको यहाँ फिर ओके पर क्लिक कर लेना। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे फिर से आपके सामने इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, आप यहाँ पेपर अपलोड नहीं कर पाएंगे। पेपर अपलोड करने की सुविधा हमें आर के एस एम बी के ऐप पर ही दी गई है। अब आपको उसके मैनुअली डेटा फीड करना होगा, तो आप बच्चे का क्वेश्चन पेपर ले लीजिएगा। उसमें देखिएगा कि यदि बच्चे ने पहले नंबर का क्वेश्चन अटेंड किया है तो आपको यहाँ यस पर क्लिक करना है, और उसने आंसर क्या लगाया है, ए बी सी डी में से कौन सा आंसर लगाया है, वो आपके अनुसार जो बच्चे ने पेपर में कर रखा है वो यहाँ पे आप टिक कर देंगे, यहाँ राइट का निशान हो जाएगा। और यहाँ आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि बच्चे ने यदि अपना जो पहले नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो आप यहाँ नो पर भी क्लिक कर सकते हैं। इस तरह आपके सामने 15 प्रश्न यहाँ आ जाएंगे, 15 के ही आपको जवाब बच्चे की OCR जो आपने ली थी उसको देखकर देने हैं। तो आप इस तरह से सभी 15 प्रश्न को अटेम्प्ट कर देंगे, उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा सबमिट आल का। यहाँ सबमिट आल पर क्लिक करते ही आपका सक्सेस का मैसेज आपको शाला दर्पण दे देगी। आपका जो बच्चा है जिस गलती से जो उसका OCR अपलोड नहीं हो पाया था उसका OCR अपलोड हो चुका है। तो उम्मीद है साथियों जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और जानकारी आपको अच्छी लगे तो ये जानकारी हमारे अन्य साथियों तक भी पहुंचाइएगा। मिलते हैं इसी तरह के अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।